एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इकोवल। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज जो मैं करवा रही हूँ वो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस इस चैप्टर के डाल चुकी हूँ। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखते हैं तो उससे पहले आपको पहले 2 जो पार्ट डाले गए हैं वो देखने हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3 जो की है सेक्टर्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो। मैंने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था बेटा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। अगर आपको वो समझ आ गया तो उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब सेक्टर्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं सर्कुलर फ्लो इनकम में। तो बेटा ये 4 होते हैं, पहले हाउस होल्ड, फिर फॉर्म्स, फिर गवर्नमेंट, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम ये सारी बातें तो बाद में करेंगे, हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम इकोनॉमी पढ़ेंगे वो हमारी मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और जो हमारी मिक्स इकोनॉमी है उस वाली इकोनॉमी की बात नहीं कर रही मैं यहाँ जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसकी बात कर रही हूँ। ये बेसिकली 2 टाइप की इकोनॉमी, 3 टाइप की होती है। पहली 2 सेक्टर इकोनॉमी, देन 3 सेक्टर इकोनॉमी, देन 4 सेक्टर इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व हो, कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो अगर ये 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व है, मतलब हाउस होल्ड और फर्म, तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अगर इसी में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट इंक्लूड है तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है। अगर इसी के अंदर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर जिसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहते हैं तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। अब बात आती है, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, एक होती है फ्री इकोनॉमी। अगर हम 2 सेक्टर्स में इकोनॉमी की बात करें, मतलब हाउस होल्ड से फर्म तक, फर्म से हाउस होल्ड तक, तो एक इस टाइप की सेक्टर होगी, ये ऐसी इकोनॉमी होगी जो क्लोज इकोनॉमी होगी जिसमें बाहरी दुनिया से कोई भी लेन देन नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम डिपेंड करेंगे तो प्रोड्यूसर डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर, कंज्यूमर डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए, और कंज्यूमर डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर के ऊपर गुड्स और सर्विसेज के लिए। ऐसी इकोनॉमी जिसमें 2 ही सेक्टर पाए जाते हैं ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी और 2 सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या आ जाता है बेसिकली अगर उसकी बात करें तो उसमें गवर्नमेंट जो है एड हो जाएगा, हाउस होल्ड, उसके बाद में फर्म और उसके बाद में गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं इनका रोल क्या है। तो देखिए बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंज्यूमर होता है, प्रोवाइड करवाता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसमें है लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, जो फैक्टर प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं वो सारी चीजें। फर्म जो है एक तरीके से प्रोड्यूसर होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है या तो टैक्सेशन लगाएगा या सब्सिडीज देगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन सबका काम करता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करता है। अब हम बात कर रहे थे 3 सेक्टर इकोनॉमी की, जिसमें हाउस होल्ड हो जाएगा और फर्म हो जाएंगी और तीसरा सेक्टर एडअप हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो क्या करेगा, हाउस होल्ड के ऊपर तो वो टैक्स लगाएगा और जितने भी पुअर सेक्शन है उनको वो सब्सिडी देगा, और दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर है उनमें कुछ चीजों पे तो वो सब्सिडी देगा और कुछ चीजों के ऊपर वो टैक्स लगाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स इम्पोज करता है रिचर सेक्शन के ऊपर, और जो पुअर सेक्शन है उसके उसमें सब्सिडी के रूप में उसे दे देता है, ताकि इसे बोलते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इन शॉर्ट अब तक मैंने आपको 2 इकोनॉमी बताई, पहली 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड, फर्म होते हैं, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो अ क्लोज इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी की, जिसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। देखो बेटा, इसमें फ्री इकोनॉमी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो चौथा सेक्टर है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अब तक तो हम इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही घूम रहे थे, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे हमारा कंज्यूमर, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के बीच में जो भी काम हो रहा था विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया हो रहा था। अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा तो वो आउटसाइड द कंट्री हो जाएगा। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट कंज्यूमर सेक्टर भी होता है और फर्म भी होती है, ऐसी इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी कहते हैं और उसे हम बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी।
अब ये जो कंसेप्ट था मेरा सेक्टर इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसमें हाउस होल्ड इंक्लूड होते हैं, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। आप देखो, आपको जो सबसे मेन बात माइंड में रखनी है वो क्या है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात आती है तो क्या कर लेते हैं, वो या तो टू सेक्टर इकोनॉमी का बात बोल देते हैं या थ्री सेक्टर, वो एक अलग कंसेप्ट है। जब भी बात आती है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की, उसमें आपको दो ही बातें याद रखनी है, पहला है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। बेटा जो रियल फ्लो है वो दिखाता है गुड्स से गुड्स, मतलब हाउस होल्ड भी गुड्स से, जो प्रोड्यूसर को गुड्स देगा और जो प्रोड्यूसर है वो भी गुड्स और सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। अब अगर आप कहोगे मैम नाम तो ले रहे हो आप सर्कुलर फ्लो और ऊपर से कह रहे हो कि यहाँ पे पैसा नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा, यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होगा, यहाँ पर गुड्स से गुड्स को क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, जिसे हम पहले क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जैसे ही यहाँ पे बात है, अगर रियल फ्लो होगा तो रियल फ्लो जो है वो एक तरीके से सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक डायग्राम के, अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं, फ्लो चार्ट में एक तरफ मैंने हाउस होल्ड रख दिया, एक तरफ मैंने फर्म रख दिया। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स देगा, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को बनाएगा और वो किसको दे देगा, हाउस होल्ड को। यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से फैक्टर जो प्रोडक्ट्स है वो लिए, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी लिया, उन सभी चीजों का यूज करके इसने गुड्स और सर्विसेज बनाई और ये अल्टीमेटली किसको दे दी, हाउस होल्ड को। यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन हुआ नहीं, हाउस होल्ड ने जो भी सामान प्रोड्यूसर से लिया उसके बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया था और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने लिया, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर था उसने उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की और उसको क्या दे दिया, गुड्स और सर्विसेज दे दी। यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं रियल फ्लो, जिसमें गुड्स से गुड्स को होता है। रियल फ्लो का अगर हम बात करें तो दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। क्यों बोला जाता है, फिजिकल फ्लो एक ऐसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, इन शॉर्ट गुड्स और सर्विसेज को हम टच कर सकते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल फ्लो है। दूसरा अब आ जाता है हमारा मनी फ्लो। ये तो जो मैंने आपको चार्ट बताया था, ये जो चार्ट था एक तरीके से रियल फ्लो का था, मैं इसी को कन्वर्ट कर देती हूँ मनी फ्लो के अंदर। देखिए मनी फ्लो का मतलब होता है कि अब इसने जब इससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब दिया, कहने का मतलब है प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब इससे लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदा होगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने पैसे दिए होंगे, तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो चीज क्या हो गई, पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो क्या हो गई, इनकम। दूसरी तरफ अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास जा चुके हैं, वो उनका यूज करेगा, वहां से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और वो चीजें किसको मिल जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या हो जाएगी, वो पेमेंट हो जाएगी और दूसरी तरफ जो हमारा फर्म है उसके लिए वो क्या बन जाएगी, इनकम हो जाएगी। जब एक बार लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी दी तो एक ने उसको पेमेंट करी, उसने उसको इनकम दे दी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ गुड्स ऑफ सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों को किसके रूप में लिया गया, पैसे के रूप में। जहां पे मॉनेटरी टर्म्स में बात होती है हम उसे क्या बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो के अगर दूसरे बार नाम की बात करें तो दैट इज नॉमिनल फ्लो, हम इसका नाम क्या रखेंगे, नॉमिनल फ्लो। अब बात आती है हमारे पूरे इस कंसेप्ट की जो आज मैंने आपको समझाया। मेरा जो मेन मकसद था या मेरा मेन पॉइंट ये था कि कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चार सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म, थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, फोर सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर दैट इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। रियल टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो दो टाइप की, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, मनी फ्लो के अंदर सारा काम किस में होगा, पैसे में होगा। रियल फ्लो फिजिकल फ्लो होता है, मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो होता है। अब हमारा जो कंसेप्ट है, ये जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की थी, ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।